नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। 2 अक्टूबर का दिन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। देश के प्रधानमंत्री इस दिन राजघाट जाकर गांधी जी और विजय घाट जाकर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश भर में शास्त्री जी और खासकर गांधी जी को लेकर गोष्ठियां होती हैं, लोग लंबे लंबे आख्यान देते हैं। लेकिन श्रद्धांजलि और गोष्ठियों के अलावा 2 अक्टूबर का दिन कुछ और कामों के लिए भी याद किया जाता है। यही वो दिन है जब गांधी पर खींचतान होती है, झगड़ा होता है कि गांधी जी के विपुल विचार संपदा यानी उनके कहे उनके लिखे की ठेकेदारी किसके पास रहेगी। एक मिसाल आज भी सामने आई, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कांग्रेस की, अगर इस कांग्रेस को वो कांग्रेस माने तो। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया, भारत और गांधी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। ये अलग बात है कि आजकल कुछ लोगों ने इसे उल्टा करने की जिद पकड़ ली। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बाकी अधिशेष भारत का प्रतीक बन जाए। मैं ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, मिली जुली सभ्यता और मिले जुले समाज ने गांधी जी की सर्वसमावेशी व्यवस्था के अलावा कभी कुछ सोच नहीं सका। सोनिया की बात का जवाब भी आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, आज अगर गांधी होते तो आरएसएस में होते। सोनिया और राकेश सिन्हा पार्टी लाइन से बंधे लोग हैं, जो कहते हैं अपनी अपनी मजबूरियों में कहते हैं, लेकिन जिनकी कोई मजबूरी नहीं वो भी गांधी के प्रति कम निर्मम नहीं होते। साल में 2 बार 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गांधी के मूल्यांकन की होड़ लग जाती है। कोई अभिभूत होकर पन्ने भरता है तो कोई पानी पी पी कर कोसता है। इस कोलाहल में गांधी जी पीछे छूट जाते हैं। आप पूछेंगे इसमें बुरा क्या है, अतीत की बातें हैं, कभी ना कभी हमें भूलना ही था, आज भूल जाते हैं। वैसे भी अब ऐसे लोग गिनती के ही बच्चे हैं जिन्होंने गांधी के करिश्मे को देखा था, महसूस किया था। लेकिन द लल्लन टॉप की सोच कुछ अलग है इस मामले में। हमें लगता है कि एक धागा है जो इस मुल्क को 150 सदी पहले पैदा हुए एक आदमी से बांधे रखता है, उसके विचारों से बांधे रखता है। हम आज इस धागे के रेशों को टटोलेंगे। गांधी से हमारा क्या नाता है, गांधी से हमारा नाता क्यों जरूरी है अगर है तो, इन सवालों के जवाब हम आपको कुछ प्रसंगों कुछ बातों के जरिए देने की कोशिश करेंगे। पहली उंगली अपनी तरफ, गांधी जी की जिंदगी दमन के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। वो उपनिवेशों से लड़े, आज उपनिवेश बीते दिनों की बात हो गए लगते हैं, लेकिन दमन बना हुआ है, उसने अपना चेहरा बदल लिया है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में चले जाइए, कहीं आतंकवादी तो कहीं सरकारों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, ये दमन दिखता है। एक दमन वो है जो नजर नहीं आता, पूंजीवाद का दमन, बाजार के वो पाटे नजर भी नहीं आते जिनमें आदमी पिसता जाता है। हम अपनी पसंद का काम करके भी घर लौटते हैं तो सोफे पर धड़ाम होकर यही कहते हैं, मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा, थक जाता हूं, जैसे हमें कोई सता रहा हो। अब जो दिखता नहीं उससे कैसे लड़े, कैसे लड़े उन इच्छाओं से जो बाजार की बनाई हुई है। जवाब गांधी देते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में भीकू पारेख का एक लेख छपा है, उसमें पारेख कहते हैं कि कैसे भारत आने से पहले ही गांधी जी ने अफ्रीका में तरह तरह का जुल्म देखा था। कभी उन्हें ट्रेन से फेंका जाता, कभी फुटपाथ पर चलने के लिए पीटा जाता। गांधी ना हताश होते ना हिंसक, वो मंथन करते, अपना वो हिस्सा ढूंढते जो दमन के खिलाफ खड़ा होता, लेकिन दमन की पड़ताल करने के बाद, उसकी बुनियाद जानने के बाद। गांधी कहते हैं कि पीड़ितों को पहली बगावत खुद के खिलाफ करनी चाहिए। अजीब लग रहा है ना सुन के, पीड़ितों को पहली बगावत खुद के खिलाफ करनी चाहिए। ये मालूम कीजिए कि जिसके खिलाफ खड़े हैं कहीं उसके गुण अवगुण चोरी छिपे आपके भीतर तो नहीं आ गए। मिलेनियल्स की भाषा में कहें तो पहली उंगली हमें अपनी ओर उठानी चाहिए, लेकिन उंगली उठाने का मतलब ग्लानि में डूबना नहीं है। उंगली उठाने का मकसद है अपना मन साफ करना, और तब जागता है आत्मसम्मान। गांधी खुद को तपाकर संशय और संकोच तजते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं। आत्मविश्वास होगा तो कोई आपको सताएगा नहीं, न दुनिया न आप खुद, क्योंकि आपने स्वयं को पहचान लिया है। अंग्रेजी में कहें
तो माइंडफुलनेस। अब मिलेनियल्स सवाल कर सकते हैं, कैसी कायरता है, दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं भी खुद के खिलाफ हो जाऊं, मेरे पास गांधी जी वाला आत्मविश्वास है, मैं तो घुमाकर चप्पल मारूंगा जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। ऐसी बात आपके मन में आती है तो आपको गांधी जी का दूसरा मंत्र समझना चाहिए, हिंसा और कायरता मौसेरी बहने हैं। ये मंत्र हमें प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के एक 14 साल पुराने भाषण में मिला। हम ऐसे कई लोगों की तरह प्रोफेसर अग्रवाल भी कहा करते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन सोच विचार के बाद प्रोफेसर पुरुषोत्तम ने पाया कि असल में मजबूरी हिंसा है। हिंसा दृढ़ता और शक्ति को प्रकट नहीं करती। राज्य की सत्ता हिंसा करती है क्योंकि उसे व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी है। क्रांतिकारी हिंसा करते हैं क्योंकि राज्य सत्ता ने उन्हें मजबूर किया। एक हिंसा भाषा की होती है। बॉस हिंसा करते हैं क्योंकि बिना हिंसा और अनुशासन एम्प्लॉई सीख नहीं सकते। एम्प्लॉई सड़क पर रोड रेज करते हैं क्योंकि उसके बिना ट्रैफिक में जगह नहीं मिलती। ऐसा सब करके हिंसा को हम जायज ठहराते जाते हैं, लेकिन गांधी आपको बताएंगे कि हिंसा की माँ है आक्रामकता, यानी किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाए रखने की स्वार्थ से भरी इच्छा, और यही चीज जनती है कायरता। मजबूती हिंसा का जवाब हिंसा से न देने में है। अब मिलेनियल्स तय करें उन्हें मजबूर बनना है कि मजबूत। फिर कुछ लोग हम सभी को मिलते हैं जो कहते हैं कि गांधी जी की बात एक खास संदर्भ में थी, एक वक्त और एक माहौल की गुलाम थी। वो अमेरिका में बराबरी के हक के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग की बात याद करें। किंग ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, जिस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर दुनिया के लिए चुनाव अब नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच में नहीं है, अब चुनाव नॉन वायलेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में है। गांधी जिन्हें तीन तीन महादेशों ने समझा अपनाया, महात्मा गांधी जो मजबूरी की एंटीथीसिस है। ललन टॉप शो में हम बात करेंगे आरएसएस के महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर हो या 30 जनवरी, गांधी गोडसे और आरएसएस जैसी बातें चल पड़ती हैं। आरएसएस और महात्मा गांधी आमने सामने खड़े कर दिए जाते हैं। बीजेपी से सांसद बनने की तैयारी करती वो नेत्रियां हमने देखी हैं जो गोडसे को देशभक्त बताती थी। कुछ ही महीने पहले आपने तस्वीरें देखी थी जिसमें एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ी महिला महात्मा गांधी के पुतले को एयरगन से गोली मारती नजर आई थी। बाकी फेसबुक पर वर्कसेट आरएसएस वाली प्रोफाइल्स खोल कर दीजिए, उसमें से कई में आपको गांधीवद जैसे शब्द नजर आएंगे। ये संगठन, ये नेता और ये सोच, ये सारी बहस जाकर टिकती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। आरएसएस के सरसंघचालक गांधी पर जो कहते लिखते मिलते हैं वो इन छवियों से काफी उल्टा नजर आता है। आज के दैनिक भास्कर अखबार में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का लेख छपा है। भागवत कह रहे थे कि गांधी जी के आदर्शों को आचरण में उतारना चाहिए। दावे ये भी कि संघ में हर रोज महापुरुषों को याद किया जाता है। इसे एकात्मता स्त्रोत कहा जाता है। मैं शिशु मंदिर और दीनदयाल विद्यालय में पढ़ा हूं, मैंने इस स्त्रोत को रोज पढ़ा है। इसमें देश के महापुरुषों के नाम आते हैं, बापू का नाम भी आता है, उनके गुणों को जीवन को याद किया जाता है। 60 के दशक में महात्मा गांधी इस स्त्रोत में जोड़े गए। महात्मा गांधी की इसमें गुण क्वालिटीज बताएंगे, उन्हें पवित्र, त्यागमय, पारदर्शी जीवन जीने वाला कहा गया। मोहन भागवत ने महात्मा गांधी से देश के लिए समर्पण सीखने को कहा। जब एक तरफ राकेश सिन्हा की इस बात पर बहसें चल रही हैं कि आज गांधी जी होते तो आरएसएस में होते या नहीं होते, उसी समय भागवत संघ से महात्मा गांधी की नजदीकियों की बात करते दिखते हैं। वो लिखते हैं कि गांधी जी 1936 में वर्धा के संघ शिविर में गए थे। डॉक्टर हेडगेवार और गांधी जी की भेंट की बात कही गई। मोहन भागवत की कोशिश हेडगेवार और गांधी की करीबी दिखाने की थी। इसी क्रम में हेडगेवार की उस तारीफ का जिक्र आया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पुण्य पुरुष कहा। ये भी कहा कि गांधी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। मोहन भागवत अपनी बात का निष्कर्ष ये देते हैं कि गांधी जी के विचारों से अलग राय रखने वाले लोग भी उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। बात यही नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर भी नजर आई। आरएसएस का ट्वीट दिखा, मोहन भागवत को कोट किया गया। लिखा था, स्व के आधार पर भारत की पुनर्रचना का स्वप्न देखने वाले तथा सामाजिक समता और समरसता के संपूर्ण पक्षधर अपनी कथनी का स्वयं के आचरण से उदाहरण देने वाले सभी लोगों के लिए आदर्श पूज्य गांधी जी को हम सबको देखना, समझना तथा अपने आचरण में उतारना चाहिए। संदेश साफ नजर आता है। मोहन भागवत हो, आरएसएस हो, महात्मा गांधी का नाम और प्रभाव इतना बड़ा है कि सब उनके साथ नजर आने का प्रयास करते हैं, उनके साथ खड़े दिखना चाहते हैं, उनके विरुद्ध नहीं। गांधी जयंती वो मौका है जब एक और बहस अपनी जगह बनाती है, गांधी बनाम शास्त्री की बहस। इन्हें याद किया उन्हें नहीं वाली बातें कही जाती हैं, इन्हें महत्व दिया उन्हें नहीं के आरोप लगाए जाते हैं।
भेजा है ये आरोप। छोटी सी सीख है, कभी भी ज्यादा बड़ा कौन ज्यादा महान कौन की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हर महानता अपना समय और संदर्भ स्वयं लेकर आती है। दोनों महान विभूतियां हैं, दोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया। 2 अक्टूबर की तारीख के अलावा और भी तो समानताएं हैं। ये समानताएं जीवन के संदेशों में नजर आती हैं। बड़े लोग ये संदेश बोलकर नहीं देते थे, अपने काम से देते थे। दोनों की उपवास में आस्था थी। गांधी जी जब भूखे रहे तो मूल्य स्थापित किए जिन पर मुल्क की आजादी टिकी थी, उपवास सत्याग्रह। लाल बहादुर शास्त्री, 1965 में पाकिस्तान ने हमसे युद्ध किया, शास्त्री जी ने तब उपवास को हथियार बनाया और अमेरिका की चुनौती को भूतरा कर दिया। उनके कहने पर देश भी उपवास रखने लगा। एक महापुरुष ने हमें किसी के आगे न झुकने की सीख दी, दूसरे ने किसी के आगे हाथ न फैलाने की सीख दी। एक हमें आजादी देने वाले समूह से है, दूसरा उस आजादी की रक्षा करने वाले। आप कौन सा पैमाना लाओगे, कौन सी तराजू बनाओगे, कौन सा पैरामीटर सेट करोगे जो दोनों की महानता को छोटा या बड़ा बनाए? आखिरी में एक बात और, चाहे शास्त्री जी हो चाहे गांधी जी हो, आलोचना से परे नहीं है, ये देवता नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। इनकी जमकर आलोचना करिए, इनके विचारों से मुठभेड़ करिए, पर उसके लिए आपको इन्हें जानना होगा, इनको पढ़ना होगा। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए मैसेजेस के आधार पर अपनी राय मत बनाए राय कि गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग क्या थे, वो भगत सिंह को बचा सकते थे, उन्होंने सुभाष के मुकाबले नेहरू को क्यों आगे किया, वो पाकिस्तान के लिए उपवास क्यों कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो विभाजन कैसे हो गया? क्योंकि आप अध्ययन करेंगे तो इन सब के जवाब मिलेंगे, गांधी की कमजोरियां मिलेंगे, गांधी के अंतर्द्वंद मिलेंगे, और आपको भरोसा होगा कि यह एक इंसान था जो अपनी कमजोरियों को उघाड़ने में यकीन रखता था। यही बात भागवत ने कही है, यही बात गांधी के सारे, चाहे वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी आलोचक मानेंगे, कि वो जैसा था वैसा ही दिखता था। उसमें दंभ नहीं था, द्वेष नहीं था और छलावा नहीं था। देश बापू को याद करे, देश अहिंसा को याद करे, और सिर्फ याद न करे, अपने विचारों में उनको आत्मसात करे अपने अपने सुविधे से। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। बापू को बुरा बताइए भला बताइए, लेकिन उसके लिए उनके बारे में जमकर अध्ययन करिए, उनकी लिखी किताबें उन पर लिखी किताबें, तब बहस हो। शुभ रात्रि।